हाय गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज है संडे और आज हमारा प्लान है कहीं घूमने जाने का। तो यहाँ पे मैं क्विकली पास्ता बना रही हूँ क्योंकि हम ब्रेकफास्ट करके निकलने का आराम से 11 बजे के करीब का प्लान कर रहे हैं, बट अराउंड 10:30 तक हम निकल गए थे वहाँ से क्योंकि ट्रैफिक, ऑब्वियसली सैटरडे संडे को ट्रैफिक और ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पे मैं क्विकली पास्ता बना रही हूँ जिसे मैंने कैरेट और अनियन और कॉर्न्स और थोड़ा ग्रीन चिली ये सब डाला है। और ये सबको सौते करने के बाद इसमें मैं डालने वाली हूँ टोमेटो प्यूरी और ये बहुत ही जल्दी बन जाएगा। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ सिजवान। डालने के बाद मैं यहाँ पे डालूँगी केचप, टोमेटो केचप, फिर ब्लैक पेपर। डालने के बाद मैं थोड़ा सा इसमें पिज्ज़ा टॉपिंग का जो होता है सीजनल हर्ब्स वो डालने वाली हूँ, थोड़ा सा चाट मसाला, और उसके बाद थोड़ा सा सॉल्ट क्योंकि सॉस में ऑलरेडी सॉल्ट होता है तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्ट यूज़ कर रही हूँ। और उसके बाद यहाँ पे मैंने टोमेटो चटनी बनाई थी वो डाला है और यहाँ पे प्यूरी टोमेटो की डाली है। तो ये सब करने के बाद इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है और लास्ट में मैं इसे पास्ता डाल दूँगी और ये डन। तो यहाँ पे जब तक ये बन रहा है तब तक मैं जा रही हूँ रेडी होने और अद्वित को भी रेडी करने क्योंकि वो भी सो के उठा है। उसे अच्छे से फ्रेश व्रेश कर देती हूँ और फिर मैं आपको आगे ब्लॉग में बताती हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ। और यहाँ पर रेडी हो चुका है मेरा पास्ता। गाइज, आज हम जा रहे हैं मालेश्वरम साइड और वहाँ की चीज़ें एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो बेसिकली हमने प्लान किया है सैंकी टैंक जाने का और उसके बाद इस्कॉन जाने का प्लान किया था। तो यहाँ पे मालेश्वरम इन करते करते ही इतनी, मतलब थोड़ी थोड़ी बारिश स्टार्ट हो चुकी थी और ट्रैफिक भी काफ़ी अच्छा था। यहाँ पे हम HAL क्रॉस कर रहे हैं और हल्की हल्की बारिश यहाँ पे ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। तो सबसे पहले हमारा प्लान था सैंकी टैंक जाने का, तो वहाँ पे जाएंगे और उसके बाद फिर हम सोचे थे कि अगर टाइम बचता है तो हम इस्कॉन जाएंगे। आज बहुत आराम से चिल करने का हमने प्लान किया था बट सारे प्लान में चेंजेस आ गए और मैं आपको आगे बताती हूँ कि हमने क्या क्या किया है। सो सबसे पहले तो गाइस, 2 घंटे का रास्ता हमने 4 घंटे में तय किए हैं। 4 घंटे में हम पहुँचे, ऑलरेडी ट्रैफिक होती है और बारिश के कारण थोड़ी और ट्रैफिक बढ़ गई थी तो उसके बाद हमें बहुत टाइम लग गया पहुँचने में। और वहाँ पे हम सैंकी टैंक पहुँचे और पहुँचने के बाद ही थोड़ी थोड़ी बारिश स्टार्ट हो गई और ऑलमोस्ट सैंकी टैंक बंद था तो उन लोगों ने बोला था 4 बजे ओपन होगा, बट इतनी तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई कि हमें वहाँ से निकलना पड़ा। और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा काम लग रहा था पानी ये सब देख के। एक्चुअली यहाँ पे बहुत सारे पिजन्स होते थे, डक होते थे, हमने सोचा अद्वित को थोड़ा घुमाएंगे बट वेदर ने हमारा साथ नहीं दिया। आप देख सकते हो पूरे काले बादल आ चुके हैं और उसके बाद तगड़ी बारिश स्टार्ट हो गई। तो उसके बाद हमने प्लान किया था इस्कॉन जाएंगे बट इस्कॉन भी बारिश के कारण नहीं जा पाए। एक्चुअली इस एरिया में बहुत तेज तगड़ी बारिश हो रही थी तो हमने सोचा कोई नहीं, फिर हम नेक्स्ट टाइम प्लान करते हैं जब बारिश ये सब का वेदर नहीं रहेगा तभी आएंगे। यहाँ पे हम इस्कॉन क्रॉस कर सकते हैं, आप देख सकते हो बारिश से वो भी ठीक से नहीं दिख रहा है। तो इसके बाद हमने कम्प्लीटली प्लान चेंज कर दिया और हम आए थे किसी और चीज़ के लिए बट हमने कुछ और ही प्लान बनाया। तो यहाँ पे अद्वित आ गया है अपने डैड के कॉलेज। तो अद्वित के डैड के कॉलेज घूमने का बहुत मन था क्योंकि बहुत टाइम हो चुका था, तो वो बोल रहे थे चलो मैं चलता हूँ, अब थोड़ा मिलता हूँ कॉलेज में, तुम लोग को भी घुमाता हूँ, फैकल्टी ये सब देखता हूँ। तो वहाँ पे हमने घूमा और यहाँ पे थोड़ा आगे जाने के बाद रमैया इंस्टीट्यूट और टेक्नोलॉजी है वो स्टार्ट हो जाता है। तो ये बारिश झेलने के बाद हम वहाँ पहुँचे और वहाँ पे तो अद्वित ने मस्ती की, वो काफ़ी उसे जहाँ खुला खुला मिलता है उसे वहाँ पे मस्ती करने में बहुत मज़ा आता है। और आप यहाँ पे देख सकते हो बारिश, मतलब ख़तरनाक तगड़ी बारिश स्टार्ट हो गई थी, इसलिए हमने सारा प्लान चेंज कर दिया क्योंकि अगर ट्रैफिक हो गई कहीं पे ऑलमोस्ट पेड़ गिरना ये सब भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। तो हमने सोचा रिस्क नहीं लेते हैं, इससे बेटर है कहीं शांत जगह पर चलते हैं और उसके बाद घर की तरफ ही चलते हैं, वो ज़्यादा सही रहेगा। सो
यहाँ हम पहुँच चुके हैं रमैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और ये कैंपस है इसका काफ़ी बड़ा और बहुत ही सुंदर कॉलेज है, बहुत ही अच्छा है। अद्वित को यहाँ पे खुला खुला मिल रहा था, वो यहाँ पे अच्छे से इंजॉय कर रहा था। बारिश भी यहाँ पे रुक चुकी थी, उस एरिया में बहुत तगड़ी बारिश हो रही थी, तो यहाँ पे बारिश रुक चुकी थी। और हमने यहाँ पे कॉलेज घूमा, फिर अद्वित ने अपने डैड का क्लासरूम देखे, टीचर्स से मिले, फैकल्टी से मिले, और यहाँ पे ये रमैया की कार थी, ये सारी चीज़ें हमने देखा, इंजॉय किया। और उसके बाद फिर वहाँ से हम निकल गए। फिलहाल आप ये टूर इंजॉय करो कॉलेज का, और बहुत अच्छा था, रिफ्रेशिंग लग रहा था। और फिर देख के लाइक इतना अच्छा कॉलेज है, काफ़ी लोग मिले, काफ़ी अच्छा फील हुआ यहाँ पे। और गार्ड ये सब बहुत ही हेल्पफुल थे, उन्होंने हमें अंदर जाने दिया, बोला जाओ जाओ आराम से घूमो, घूम कर आओ। तो यहाँ पे सारी चीज़ें थी, क्लासरूम भी कहीं कहीं चल रहे थे, वो भी हमने देखा, काफ़ी अच्छा था सब कुछ। उसके बाद फिर हम पुराने कैंटीन गए, वहाँ पे हमने खाया पिया और अच्छा लगा सब कुछ देखकर। और यहाँ पे बारिश ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी थी यहाँ पे, तो हमने प्लान किया कि यार बच्चे हैं कहीं घुमा नहीं, मस्ती नहीं किया, तो यहाँ से हमने प्लान किया फिनिक्स मॉल जाने का। तो यहाँ से हम डायरेक्ट निकल गए थे अपने घर की साइड, और फिनिक्स मॉल थोड़ा अपोजिट है, बट इट्स फाइन, क्योंकि बच्चों ने इन्जॉय नहीं किया था। संडे था, हमने सोचा था बाहर निकलेंगे तो इन्जॉय करेंगे, बट ऐसा कुछ हो नहीं पाया। तो यहाँ से हम फिनिक्स मॉल निकल गए थे, और वहाँ हमारा कुछ लेने का या शॉपिंग का तो प्लान नहीं था। वहाँ हमारा बेसिकली प्लान था कि गेम्स पार्लर चलते हैं, गेम्स जोन चलते हैं, और वहीं पर खेलेंगे, बच्चे भी इन्जॉय करेंगे। तो यहाँ से हम निकल चुके थे, और उसके बाद मैं आपको आगे का दिखाती हूँ। फिनिक्स मॉल हम पहुंच चुके हैं, और ऑलरेडी एज यू नो क्राउड वीकेंड में होता ही है, तो क्राउड था। तो हम जिस गेम जोन में गए थे वहाँ पे बेसिकली बड़े बच्चों का ही था, और वहाँ पे बस एक छोटी सी कार थी, पिंक बस थी एक्चुअली, और अद्वित उसको लेके बहुत पर्टिकुलर हो चुका था, वो किसी को बैठने नहीं दे रहा था, उसे ही बस उस बस में बैठना था। बाकी बच्चे लाइन लगा के खड़े थे, बट वो रेडी नहीं था उतरने के लिए। फिर हमने उसे कैसे भी मनाया, और फिर बगल में बच्चों का है, और मुझे पता नहीं इसका नाम क्या है, बट यहाँ पे कोई बर्थडे पार्टी चल रही थी, बट उन्होंने हमें अलाउ कर दिया था। इसकी प्राइस काफ़ी हाई थी, लाइक ये 60 मिनट्स के लिए उन्होंने 1000 और 1500 रुपीज़ चार्ज किया था। उसके बाद अगर एक ही पेरेंट जा सकते हैं, अगर दोनों को जाना है तो 100-200 रुपीज़ एक्स्ट्रा। फिर आपको सॉक्स लेने पड़ेंगे, न्यू सॉक्स लेने पड़ेंगे, उसके लिए 40 रुपीज़ एक्स्ट्रा। और तो ये सारी चीज़ें थी, बट चलो ठीक है, बच्चे ने एटलीस्ट इन्जॉय किया। तो यहाँ पे अद्वित टॉय ट्रेन पे बैठ चुका था, जो मॉल में घुमाते हैं उसे ट्रेन देखते हैं, वो ट्रेन ट्रेन बोलने लगा, उसे ट्रेन पर बैठने का बहुत मन हो रहा था। तो यहाँ पर वो टॉय ट्रेन पर थोड़ा इन्जॉय किया, और यहाँ पे वो अगेन खेलने में लग गया था। यहाँ पे एक्चुअली उसने मस्ती की, वो काफ़ी उसे काफ़ी अच्छा फील हो रहा था यहाँ पे, और यहाँ पे इन्वायरमेंट भी काफ़ी अच्छा था, बच्चे थे उसके एज ग्रुप के ही सारे बच्चे थे, तो वो और ज़्यादा इन्जॉय कर रहा था यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें हैं, और उसके बाद एज़ यूज़ुअल वो पहुँचते ही अपना बस, कार, प्लेन, ये सारी चीज़ों में लग गया था। हम उसे बोल रहे थे थोड़ा जाओ घूमो फिरो, इन्जॉय करो, कूदो फानो, बट उसे अगेन ये स्कूल वाली जो चीज़ें होती है वहीं पर आके बैठ गया था वो। फिर यहाँ पे उसने बॉल से खेलना स्टार्ट किया, और ये है वो पिंक बस जहाँ वो उतरने के लिए रेडी नहीं था, सारे बच्चे साइड हो चुके थे और ये अकेले यहाँ पे घूम रहा था इस बस में। फिर हमने उसे मनाया, फिर दूसरी जगह गए, तो ये सारी चीज़ें हुई। यहाँ पे मैंने भी थोड़ा बहुत खेला, एक्चुअली अद्वित रेडी नहीं था यहाँ पे रहने के लिए, तो मैं यहाँ पे ज़्यादा इन्जॉय कर नहीं पाई। उसके बाद जो बच्चों वाले गेम्स पार्लर में गए, वहाँ पे मस्ती हुई, और ये है सब कुछ। और उसके बाद काफ़ी रात हो चुकी थी, तो हमने सोचा अब घर चलते हैं, घर जाके भी थोड़ा बहुत इन्जॉय करते हैं साथ में, और फिर सोने की तैयारी करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट मंडे था।
तो ये था संडे का छोटा सा व्लॉग जो हमने काफ़ी इन्जॉय किया, काफ़ी अच्छा रहा। प्लान कुछ और करके गए थे, प्लान कुछ और हो गया, बट कभी कभी ऐसा होता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। सो ये सारी चीज़ें थी, काफ़ी अच्छा लगा। एंड होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।